चलो बच्चों चलो चलो आओ बैठते हैं। चलो आओ बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों खेल कूद बहुत हो गया, अब हम लोग कुछ खा पी लें, ठीक है। ये हम आप लोगों को लीची खिलाते हैं, लो लो लो, सबों को दो उधर, लो तुम लोग लो लो उसको दो, चलो लो उस सब बच्चों को दो। और ये केले, चलो दो बच्चों को, तुम्हें भी चाहिए ये लीजिए, सब एक एक लो। भैया खाने से पहले हमें ये बताएं, ये जो हम तरह तरह के भोजन खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तुम जानते हो कि भोजन से हमारे शरीर में वृद्धि होती है, बीमारियों से सुरक्षा होती है व काम करने की शक्ति मिलती है। खेल का मैदान हो या कोई भी कड़ी मेहनत का काम, हर काम करने के लिए हमें चाहिए शक्ति, और ये शक्ति हमें मिलती है भोजन से। भैया हमारे भोजन के स्रोत क्या हैं? हाँ ये तुमने अच्छा सवाल किया। हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है पेड़ पौधे। जानते हो बच्चों, पौधों के सभी भाग हम भोजन के रूप में खाते हैं। ये पौधों के सभी भाग कौन कौन से हैं? पौधों के ये भाग हैं जड़, तना, पत्ता, फूल एवं फल। जड़ जिससे पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये भाग कहलाता है तना। ये हैं पौधे के पत्ते, ये हैं फूल और ये हैं फल। पौधे अपने इन्हीं सभी भागों में भोजन जमा करते हैं जिन्हें मनुष्य अपने उपयोग में लाता है। सबसे पहले हम तुम्हें उन पौधों के बारे में बताते हैं जिनकी जड़ें हम भोजन के रूप में खाते हैं। भैया ये पौधों के भाग कौन कौन से हैं? ये हैं मूली, गाजर, मूंगफली, चुकंदर आदि। ये सब वो जड़ें हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं। अब देखें वो भोजन जो हमें पौधे के तनों के रूप में प्राप्त होता है, वो कौन कौन है? आलू भी तने का ही रूप है, और गन्ना या ईख तो तुम्हें भी अच्छा लगता होगा। गन्ना से हमें गुड़ व चीनी प्राप्त होती है। बहुत से पौधों के पत्ते भी हम भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे पालक, पत्ता गोभी, मेथी व धनिया का पत्ता आदि। ये पत्ते पशुओं के भी मुख्य भोजन हैं। पौधों के फूल भी भोजन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे फूल गोभी इत्यादि। जड़, तना, पत्ता व फूल के अलावा और क्या हैं जो हम भोजन के रूप में लेते हैं और जिससे हमें शक्ति मिलती है? फल। हाँ, पेड़ पौधे के तरह तरह के फल तो हमारे भोजन का स्रोत हैं ही, जैसे सेब, संतरे, अंगूर, अनार आदि। जानते हो बच्चों, ये तरह तरह की सब्जियां जैसे भिंडी, परवल, बैंगन, टमाटर और अनाज में गेहूं, चावल, बाजरा, चना वगैरह, ये सभी भोजन हैं जिन्हें हम खाते हैं और इससे हमें शक्ति मिलती है। यही नहीं बल्कि पौधों के फल से प्राप्त होने वाले बीजों से हमें तेल भी प्राप्त होते हैं जिन्हें हम अपने भोजन के रूप में लेते हैं। तेल निकालने के बाद बचे हुए हिस्से पशुओं के खाने के काम में आते हैं। हमारे भोजन का काफी हिस्सा हमें पशुओं से भी प्राप्त होता है। विभिन्न पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है। दूध से ही दही, खोआ, छेना व तरह तरह की मिठाइयां बनती हैं। दूध में काफी मात्रा में प्रोटीन है
जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। जानते हो बच्चों, ये मांस और अंडे भी हमें पशु पक्षी से ही प्राप्त होते हैं, और मछली भी तो हमारे भोजन का अंग है। ये मछलियां हमें तालाब, नदी, दरिया और समुद्र से प्राप्त होती हैं। इन्हें खाने से हमें शक्ति मिलती है। तो बच्चों, इस तरह तुम तो जान गए होगे कि भोजन के हमारे स्रोत क्या क्या हैं। तो अब चलें। हाँ, चलते चलते एक गीत हो जाए। कौन गाएगा गीत?